हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके बेटा, बी अलर्ट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। टुडेज इज योर इंग्लिश क्लास एंड टुडे वी विल रीड चैप्टर 2। व्हाट इज द नेम ऑफ योर चैप्टर? चीनूज लर्न्स टू ईट। चीनू नाम है, लर्न्स सीखना, टू ईट खाना। चीनू कैसे खाना सीखता है इस चैप्टर में ये बताया गया है। चीनू एक बंदर है। अभी हम स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। देखो, चीनू वॉज अ बेबी मंकी। चीनू एक बेबी मंकी है। ही लव टू ईट। लव होता है प्यार करना, उसे खाने से प्यार है, उसे खाना खाना अच्छा लगता है। बट ही डिड नॉट नो हाउ टू ईट। पर उसे नहीं पता कि कैसे खाते हैं। आप भी छोटे होते हो तो आपको भी नहीं आता ना, मम्मा सिखाती है कैसे खाना खाते हैं। हिज मदर ऑफन स्कोल्डेड हिम। स्कोल्डेड होता है बेटा डांटना। आप भी कोई गलती करते हो तो मम्मी डांटती है ना, तो उसकी माँ जो थी चीनू की, उसको हमेशा डांटती थी। चीनू एक छोटा सा मंकी का बच्चा था। इट इज अ वेरी बैड हैबिट सी सेड। उसने कहा, उसकी उसने किसने चीनू की मम्मी ने कहा कि ये बहुत बुरी आदत है। वन डे ही वेंट टू द विलेज मार्केट। विलेज होता है गांव। वेंट गया, एक दिन वो गांव की मार्केट में गया। ही स्टॉप बिफोर ए फ्रूट शॉप। वो कहाँ रुक गया? पहले एक फ्रूट शॉप के, फ्रूट होती है जहाँ पे फल मिलते हैं, फलों की दुकान पर वो रुक गया। सम वाटरमेलन्स वर कैप्ट इन फ्रंट ऑफ द शॉप। वाटरमेलन क्या होता है? तरबूज। कुछ तरबूज जो है वो दुकान के सामने रखे हुए थे। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। ओके, चीनू पिक्ड अप वन एंड क्लाइम्ड ऑन द रूफ। ही चीनू ने क्या किया? पिक होता है उठाना, एक को उठाया एंड क्लाइम्ड ऑन द रूफ। रूफ होता है बेटा छत। रूफ क्या होता है? छत। और छत पे पहुंच गया, भाग गया, छत पे चढ़ गया। क्लाइंब होता है चढ़ना। ही टुक अ बिग बाइट बट ही डिडंट लाइक इट। उसने बड़ी बाइट ले ली तरबूज का, उसने बहुत बड़ी बाइट, बाइट होती है एक बाइट ले ली उसने बहुत बड़ी। बट ही डिडंट लाइक इट, पर उसको वो अच्छा नहीं लगा। ही थ्रू अवे द वाटरमेलन। उसने क्या किया वाटरमेलन को? थ्रू होता है फेंकना, थ्रू क्या होता है? फेंकना। उसने वाटरमेलन को फेंक दिया। वाटरमेलन्स आर नॉट गुड, दे आर बैड ही सेड। अब वो जब उसको अच्छे नहीं लगे तो वो क्या कहता है कि वाटरमेलन जो है, तरबूज जो है, वो अच्छे नहीं हैं, ये बुरे हैं, मुझे अच्छे नहीं लगे। अब उसको क्यों अच्छे नहीं लगे आगे पता चलेगा। अ काफ वाज स्टैंडिंग नियर बाय। काफ क्या होता है बेटा? गाय का छोटा बछड़ा, उसको बोलते हैं काफ, छोटे से बछड़े को। स्टैंडिंग होता है खड़ा, आप होते हो ना स्टैंड। नियर बाय, नियर बाय होता है पास में। पास में एक छोटा सा गाय का बछड़ा खड़ा था। ही लाफ्ड, लाफ्ड होता है हंसना। ही लाफ्ड एंड सेड, वो हंसा और उसने कहा, यू आर ए फुलिस। फुलिस होता है मूर्ख, जिसको कुछ पता ना हो। उसने कहा, किसने? बछड़े ने। बछड़े ने कहा, आप मूर्ख हो। यू एट द रिंड एंड सीड्स टू। रिंड होता है बेटा छिलका, जो नीचे ग्रीन ग्रीन होता है ना तरबूज का, वो उसको बोलते हैं। सीड्स होते हैं बीज। उसने कहा कि तुम मूर्ख हो चीनू, तुमने छिलका और बीज दोनों साथ में खा लिए, इसीलिए तो उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो छिलका भी खा गया और बीज भी खा गया। अब दोनों चीज़ें खाएगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। यू शुड ईट ओनली द पल्प। पल्प होता है गुदा, गुद्दा, जो उसके अंदर से निकलता है ना रेड रेड, उसको बोलते हैं गुद्दा, पल्प। बट चीनू डिड नॉट लिसन टू द काफ। काफ बछड़ा, लिसन होता है सुनना। परंतु चीनू ने क्या किया? बछड़े की बात नहीं सुनी। ही जियर्ड, जियर्ड होता है मजाक, मजाक उड़ाना। आप भी किसी का मजाक उड़ा लेते हो ना जब उसकी बात पसंद नहीं आती। एट द काफ एंगरली, उसको गुस्सा आया, मजाक उड़ाया उसने बछड़े का और उसको गुस्सा आया बछड़े पे। देन ही सॉ सम कोकोनट। फिर उसने क्या किया? कुछ कोकोनट देखे। ही पिक्ड अप वन एंड ट्राई टू बाइट इट। ट्राई होता है कोशिश करना, पिक होता है उठाना। उसने उठाया और उनको खाने की कोशिश करने लगा।
ही डिड नॉट ही सॉरी इट वॉज टू हार्ड. हार्ड होता है सख्त, टाइट, वो बहुत ही टाइट. अब कोकोनट नारियल होता है, नारियल तो बहुत सख्त होता है ना बाहर से. हिज टीथ वर ऑलमोस्ट ब्रोकन, उसके जो दांत थे वो लगभग टूटने ही वाले थे कोकोनट खा के. कोकोनट आर अवेफुल, ही सेड. अब उसको कोकोनट भी अच्छा नहीं लगा. अवेफुल होता है बहुत बुरा या भयानक. उसने कहा कि कोकोनट भी जो है वो बहुत बुरा है. अ क्रो वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री. एक क्रो जो था, एक कौवा जो था, वो सिटिंग बैठा था. ब्रांच होती है शाखा, टहनी, पेड़ की जो अलग अलग टहनियाँ निकलाती है ना ऐसे, उनको बोलते हैं. पेड़ पर बैठा था. इट हियर्ड व्हाट चिनू सेड, वो सुन रहा था कि चिनू क्या कह रहा है. ही सेड, कौन, किसने कहा, क्रो ने कहा, यू फाउंड इट अवेफुल बिकॉज यू ट्राई टू ईट द शेल. आपने, आपको ये इसीलिए बुरा लगा, इसीलिए भयानक लगा, क्यों, क्योंकि आप इसको सेल, सेल होता है छिलका, जो नारियल के ऊपर बाहर होते हैं ना उनको बोलते हैं, कि आप इसको छिलके के समेत खा गए. यू शुड ब्रेक इट, आपने इसको तोड़ा नहीं. एंड ईट द इनसाइड ओनली, आप इसको तोड़ते और जो अंदर अंदर का जो व्हाइट व्हाइट निकलता है ना उसको ही खाते. बट चिनू डिड नॉट लाइक द क्रोज एडवाइस, पर चिनू ने क्या किया, जो क्रो की एडवाइस थी, एडवाइस होती है सलाह, जो कव्वे ने उसको सलाह दी चिनू ने उसको नहीं माना. ही केम डाउन फ्रॉम द रूफ, वो छत से नीचे आ गया. एंड पिक्ड अप एन ऑरेंज, और उसने क्या उठाया आपकी बार, ऑरेंज उठाया. ही टुक अ बिग बाइट ऑफ द ऑरेंज, अब उसने ऑरेंज की बड़ी बाइट ले ली. बट इट वॉज बीटर, पर ये कैसा था, कड़वा था. बीटर होता है कड़वा. ऑरेंज वॉज आर अवेफुल, अब उसको ऑरेंज, क्योंकि वो छिलके समेत खा गया इसलिए उसको वो भी अच्छा नहीं लगा, कड़वा लगा, गंदा लगा. सेड चिनू एंड थ्रू इट अवे, चिनू ने कहा और उसको फेंक दिया, अब उसने ऑरेंज को भी फेंक दिया. द ऑरेंज फेल इन फ्रंट ऑफ अ लिटिल बॉय, ऑरेंज कहाँ गिरा, एक छोटे से बच्चे के सामने गिर गया. ही लुक्ड अप एंड सा चिनू, उसने ऊपर देखा, ऊपर देखा और चिनू को देखा. ही ऑल्सो हर्ड वट चिनू सेड, उसने भी सुना कि चिनू क्या कह रहा है, तो बहुत बुरा है, अच्छा नहीं है, कड़वा है. द बॉय लाफ, वो लड़का हंसा. यू आर फुलिस मंकी, आप जो हो एक मूर्ख मंकी हो. यू डू नॉट नो हाउ टू ईट एन ऑरेंज, आपको नहीं पता कि ऑरेंज कैसे खाते हैं. यू शुड हैव पील्ड इट बिफोर ईटिंग, पील्ड होता है बेटा उसका छिलका. उसने कहा कि पहले आप इसका छिलका उतारते और फिर आप खाते, ऐसे ही तो खाते हैं ऑरेंज को, पहले उसका ऊपर का छिलका उतारते हैं ना, फिर अंदर से निकलता है उसको खाते हैं. द बॉय वाज कैरिंग सम बनानास इन हिज हैंड, बॉय के हाथ में क्या थे, बॉय अपने साथ कुछ बनाना लेके आया हुआ था. ही टुक वन एंड पील्ड इट, उसने एक उठाया, उसका छिलका उतारा. ही थ्रू द बनाना एट चिनू, और छिलका उतार के वो बनाना किसको दे दिया, चिनू की तरफ फेंक दिया. चिनू जंप अप एंड कॉट इट इन द एयर, चिनू ने जंप किया और हवा में उछल के इसको पकड़ लिया, जैसे मंकी उछलते हैं ना ऐसे पकड़ लिया. ही क्लाइम्ड ऑन द रूफ ऑफ अ शॉप एंड एट इट, वो क्या किया, रूफ पे चढ़ा शॉप की पे एंड एट इट, और खा लिया. इट वॉज वेरी टेस्टी, अब क्योंकि उसने उसको पील्स उतार के खाया था बनाना का, तो उसको बहुत ही टेस्टी लगा. हाउ टेस्टी इट इज, कितना अच्छा है ये, कितना टेस्टी होता है स्वाद, टेस्टी क्या होता है स्वाद. ही सेड हैप्पीली, हैप्पीली होता है खुशी से, उसने खुशी से कहा कि ये कितना स्वाद है. ही इंजॉयड हिज बनाना, अब वो अपने बनाना का इंजॉय करने लगा, उसको मजे लेके मतलब खाने लग गया. व्हेन ही हैड फिनिश्ड ही थ्रू अवे द पील्स, जब उसने उसको खा लिया, फिनिश होता है ख़त्म करना, तो उसने पील्स को जो है दूर फेंक दिया. बनानाज आर नाइस टू ईट ही सेड, उसने कहा कि बनाना जो है वो बहुत ही अच्छे होते हैं. उसको क्यों अच्छे लगे, क्योंकि उसने उसको पील्स उतार के खाया था, छिलका उतार के खाया था ना, अगर वो उसको भी छिलके के साथ खाता तो अच्छा नहीं लगता. ही सेड नाउ आई शैल ईट बनाना जूली, अब उसको क्योंकि बनाना ही अच्छे लगे तो वो कहता है कि मैं आज के बाद बस बनाना ही खाऊंगा. बट आई शैल पील ईट बिफोर ईटिंग, लेकिन अब उसको समझ आ गया कि मैं पहले इसका छिलका उतारूंगा और फिर उसको खाऊंगा. आई शैल ईट देम विदाउट द पील्स,
मैं इसको बिना पील के खाऊंगा, कभी भी पील्स के साथ इसको नहीं खाऊंगा, छिलका उतार के खाऊंगा, छिलके के समेत नहीं खाऊंगा, साथ में छिलके के। द बॉय द क्रो एंड द काफ ऑल हियर्ड हिम, जो लड़का था, कौवा था और जो गाय का बछड़ा था, सबने उसको सुना। दे लाफ लाउडली, लाउडली होता है जोर से, लाफ होता है हंसना, और वो जोर से हंसे। बेटा ये हमारा चैप्टर था जिसकी हमने रीडिंग की। इसमें हमें क्या पता चला है कि कोई भी चीज़ हमें खाने से पहले उसको सीखना चाहिए, टेबल मैनर्स हमें आने चाहिए कि कोई भी चीज़ हमें कैसे खानी चाहिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।